बात करेंगे आयरकॉन लिमिटेड शेयर के बारे में। आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आप देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि आपको पता है कि रेलवे सेक्टर का स्टॉक है और अभी के टाइम में 289 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नजर आएगा। आज के दिन 5.65% की तेजी नजर आया है और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद कह सकते हो यहाँ पे रिजल्ट भी अनाउंस होते हुए हमें दिखा है। अब रिजल्ट के ऊपर क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें डाटा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में कि डाटा क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे इसी वीडियो में सारी चीज़ें एक एक करके। और डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस होते हुए हमें दिखा है, उसके भी ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे ऊपर अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम बात करें, दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले मार्च में अगर हम बात करें कितना हमें देखने मिला है सेल, तो सेल में देखेंगे 2884 करोड़ से 3743 करोड़। तो यहाँ पे सेल में तो कह सकते हो कि काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छा हमें कह सकते हो इंक्रीज हमें देखने को मिला है 2884 से 3743। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पिछले ईयर इसी क्वार्टर की बात करेंगे यानी 2023 में मार्च वाले क्वार्टर में 3781 से 3743 हुआ है। तो कह सकते हो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे मतलब पिछले ईयर इसी क्वार्टर के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा डाउन हमें देखने को मिला है, स्लाइटली कह सकते हो थोड़ा हमें डाउन देखने को मिला है 3781 से 3743 हुआ है। 2022 के मार्च वाले क्वार्टर से बात करेंगे तो वहाँ से काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में यानी खर्च के बारे में, तो खर्च कह सकते हो यहाँ पे पिछला जो मार्च वाला क्वार्टर था 2023 में उससे अगर कंपेयर करेंगे एक्सपेंसेस का तो यानी खर्चा कम हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि खर्चा उससे कम हुआ है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 2671 से 3470 करोड़ हुआ है, तो कह सकते हो कि खर्चा पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। बट अगर हम बात करें मार्च 2023 के मुकाबले तो कह सकते हो यहाँ पे हमें काफ़ी मतलब कह सकते हो थोड़ा सा हमें डाउन देखने मिला है खर्चा, तो कह सकते हो अच्छी बात है। और बाकी पिछले क्वार्टर से तो खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो कह सकते हो यहाँ पे ये वाली एक कॉन्स नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 213 से 273, और वहीं पिछले मार्च वाले क्वार्टर से बात करेंगे पिछले ईयर का तो 183 से 273 कह सकते हो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमें देखने मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टैक्स की अगर हम देखें यहाँ पे तो 22% का टैक्स कंपनी ने पिछले क्वार्टर में दिया था। उसके बाद 2023 के मार्च वाले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो 15% का टैक्स और अभी 31% का टैक्स हमें देखने में मिला है। फिर भी मतलब इतना टैक्स मतलब यहाँ पे 22% का अगर टैक्स इस बार भी अगर देता अगर देखा जाए तो यहाँ पे या फिर 22% से नीचे देता तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमें देखने में मिलता। बट 31% का टैक्स के अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखने में मिला उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 356 करोड़ यहाँ पे बिफोर टैक्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यानी पिछले क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा इंक्रीज है अगर देखा जाता है यहाँ पे 314 से 356। और उसके बाद उसके पहले 2023 वाले मार्च क्वार्टर की बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज है 301 से 356। बट अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे जो फाइनल नेट प्रॉफिट है 245 से 247 हुआ है, सिर्फ 2 करोड़ का इंक्रीज पिछले क्वार्टर से हमें देखने को मिला है। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे टैक्स ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ गया जो कि देखेंगे 22 से सीधे 31% का टैक्स पे करना पड़ गया। तो ये एक कह सकते हो कि ऑलरेडी कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे, बट टैक्स पे करना पड़ गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कह सकते हो लगभग पिछले क्वार्टर के मुकाबले कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है, 245 से 247 हुआ है 2 करोड़ की ग्रोथ। पिछले मार्च 2023 की अगर हम बात करेंगे उससे कंपेयर करें 256 से कह सकते हो 247 हुआ है, तो यहाँ पे हमें डाउन जो है देखने को मिला है। अगर ये टैक्स इतना नहीं पे करना पड़ता तो कह सकते हो कि काफ़ी फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट हमें नज़र आता काफ़ी अच्छा। बट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज़ है, उसके पहले वाले मतलब 2023 के क्वार्टर से मार्च वाले हमें डाउन थोड़ा देखने को मिला है 256 से 247 हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूरा ईयर का मतलब अगर हम बात करें 2023 का मार्च 2023 का जो भी हम मतलब आपको पता ही है कि मार्च में डाटा निकल के आता है पूरे साल का, तो यहाँ पे मार्च 2022 मार्च 2023 और मार्च 2024 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार कह सकते हो कि सेल्स में हमें ग्रोथ हमें देखने में मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का तो यहाँ पे भी कह सकते हो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने में मिला है 592 करोड़ से 765 करोड़, उसके बाद 930 करोड़। लगातार कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे 254% का सीएजीआर एक साल में हमें देखने में मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा सीएजीआर नज़र आ रहा है हमें। और थोड़ा इन्वेस्टर्स के डाटा पे अगर हम नज़र डालेंगे तो वो भी अगर देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4.11% से 4.58% हुआ है फैज का, मतलब कह सकते हो स्टेक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फैज ने अपना होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.93% से 1.31% डेयर्स ने अपना होल्डिंग कर लिया। काफ़ी अच्छी बात है कि डेयर्स और फैज लगातार बाई कर रहे हैं। और क्या यही बात निकल के आती है दोस्तों, अभी यहाँ पे एक चीज़ जहाँ पे एफ आईज और डी आईज, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस किया हुआ है, आपने पता नहीं नोटिस किया होगा नहीं, बट मैंने नोटिस किया हुआ है, जहाँ पे एफ आईज और डी आईज लगातार भरपूर खरीदारी करेंगे वहाँ पे क्या होता है, तो पब्लिक अपना होल्डिंग सेल करते हैं। जबकि ये नहीं दोस्तों, एफ आईज, अब मान लो एफ आईज और डी आईज क्यों खरीदारी कर रहे हैं, जो पब्लिक मतलब अगर देखा जाए इक्विटी में जो पब्लिक यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, नए नए इन्वेस्टर्स जो भी हैं, वो क्या करते हैं उसी में बाई करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मतलब कि एफ आईज और डी आईज लगातार सेल कर रहे हैं। और जहाँ पे देख लो यहाँ पे अभी के टाइम में जो नज़र आ रहा है, पब्लिक ने अपना होल्डिंग यहाँ पे घटा दिया है, जबकि एफ आईज और डी आईज ने अपना होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया है। देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें 0.26 ही है, और बाकी प्रमोटर का तो होल्डिंग आपको पता ही है 65.17%। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। आज की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो मार्केट क्लोज होने के बाद 10,051 क्वांटिटी सेल साइड में मोटर पर लगा चुका है नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कह सकते हो रिजल्ट में कोई उतना बड़ा क्वार्टर बेसिस पे तो उतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है, बट ईयर बेसिस पे काफ़ी मतलब कह सकते हो मतलब 2023-2024 का पूरा ईयर के हिसाब से मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेल साइड में इतना क्वांटिटी हमें लगा हुआ दिख रहा है, बाकी अगर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी, आज के दिन कितना परसेंट का बाइंग हमें चला हुआ दिखा है, तो 26.26% का आज के दिन माल उठाया गया है शेयर में अगर हम बात करें। नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके। तो डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे, तो डिविडेंड यहाँ पर जो भी अनाउंस होता है हमें दिखा है उसके बारे में थोड़ा बात करें, तो आयरकॉन आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड 2024 रेलवे पीएसयू अनाउंस ₹1.30 का पर इक्विटी शेयर कह सकते हो यहाँ पर डिविडेंड आप देखेंगे अलाउ हमें होते हुए दिखा, आप मतलब क्यू फोर रिजल्ट में आप देखेंगे, तो ₹1.30 का कह सकते हो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस होते हुए हमें दिखा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी नज़र आ रहा है हमें, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ आर एक्स ₹1.30 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आर एस डू इच 65% ऑफ पेड इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ हमें नज़र आते हुए दिख रहा है। बाकी बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, और वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। बाकी मैंने आपको डिविडेंड तो दिखाई दिया ₹1.30 का डिविडेंड जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बाकी नेट प्रॉफिट डाउन 3.7% ईयर ऑन बेसिस पे आप देखेंगे 247 करोड़, और बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक दिखाई दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के दिन वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है, आप देखेंगे वॉल्यूम 5 करोड़ का आज के दिन हमें देखने को मिला है, टुडे का वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग कह रहे हैं भाई, और 13% लोग कह रहे हैं सेल अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट का। अब आपका व्यू क्या है इसके ऊपर प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। 81% लोग कह रहे हैं भाई, 13% लोग कह रहे हैं सेल, और 6% लोग कह रहे हैं यहाँ पे होल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में या फिर और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम बात करें कंपनी के काम के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आयरकॉन इंटरनेशनल काम क्या करता है नज़र आ रहा है आपको, रेलवे सेक्टर में जैसे कि आपको पता है रेलवे सेक्टर में इंगेज है, इट डाइवर्सिफाइड प्रोग्रेसिवली सिंस 1985 एंड देखेंगे यहाँ पे एज एन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पीएसयू स्पेशलाइजिंग इन ए लार्ज टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर सच एज रेलवे और हाईवेज। जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम में सरकार कितना ध्यान दे रही है अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है जिस सेक्टर में कंपनी इंगेज नज़र आ रहा है, तो उस सेक्टर में कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा हमें काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। रेलवे सेक्टर में भी लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
तो काफ़ी सारे फंड मतलब कि अनाउंस होते हुए सरकार की तरफ से दिखा कि मतलब इतने साल में इतना का इन्वेस्टमेंट हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिलेगा, हाईवेज लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी मतलब गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी का मतलब कि जो काम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है कि अच्छा है इन्वेस्टमेंट करना अगर देखा जाए तो यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करेंगे ऑल टाइम पे जो शेयर यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, अगर हम बात करेंगे अभी कितना डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, या फिर कह लो जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिमम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक चीज़, जब भी रेलवे सेक्टर का स्टॉक स्टेबल आपको दिखता है तब भी एक मौका बनता है। देखेंगे यहाँ पे गिरावट होकर थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, और उसके बाद कह सकते हो कि अभी में फिर जबरदस्त तेजी नज़र आ रहा है हमें। अब बाकी अगर हम बात करें तो आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।